हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मॉन। आज हम बात करेंगे पतंजलि के फ्रीज ड्राइड कैमल होल मिल्क पाउडर के बारे में। तो चलिए इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो ये है पतंजलि का फ्रीज ड्राइड कैमल होल मिल्क पाउडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्रीज ड्राइड है और इस पे लिखा हुआ है किन लोगों को ये लेना है। तो ये डायबिटीज़ और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन का गुड सोर्स है, न्यूट्रिशन और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक के एक कंटेनर में आता है इस तरह। तो इसका ढक्कन भी जो है वो एक प्लास्टिक का ही बना हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉटल में आता है और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बारे में और जानकारी दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे हमें स्टोर करना है कूल और ड्राई प्लेस में और इसे डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और इसे खोलने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। तो इस साइड पे हम लोग का दिया हुआ है कि यहाँ पे जो नेट क्वांटिटी है ये 500 ग्राम्स का है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट के साथ साथ MRP दिया हुआ है, जो कि है 2999 यानी कि 3000। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वंस ओपेंड कंज्यूम्ड विद इन 30 डेज, यानी कि एक बार खोलने के बाद हमें इसे 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देना है। और इस जो पैक है इसमें 6 लीटर ऑफ कैमल मिल्क, इतना मिल्क पाउडर है। तो इसे यूज़ कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम 11 पार्ट्स वाटर लेते हैं तो हमें 1 पार्ट मिल्क पाउडर डालना है, यानी कि 11 भाग अगर हम पानी का लेते हैं तो हमें 1 भाग उसमें से इस मिल्क पाउडर का डालना है। तो चलिए अब इसे खोल के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी आराम से खोल जाएगा। ये जो प्लास्टिक का कैप है और इसके बाद एक एल्युमिनियम का इस टाइप का लगाया हुआ है, तो इसे भी हम खोल लेंगे। तो इसे खोलने के बाद अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मिल्क पाउडर है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कंसिस्टेंसी किस तरह का है। ये देखिए, तो इस तरह जो नॉर्मल मिल्क का पाउडर आता है उसी टाइप का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही फाइन पाउडर है, ये देखिए। और इसमें स्मेल जो है ये थोड़ा सा जो काउज़ का मिल्क पाउडर होता है, गाय का मिल्क पाउडर होता है, उससे ज़्यादा है। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्लास में 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे। आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं जैसा डब्बे पे लिखा हुआ है, मैं इस तरह बनाती हूँ। तो 2 चम्मच कैमल मिल्क पाउडर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी यूज़ करना है, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं आप। तो गर्म पानी या ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करने से जो मिल्क पाउडर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई लंप फॉर्म नहीं होगा। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आराम से आसानी से मिक्स हो जाता है। ये देखिए मिक्स हो चुका है और इसमें एडिड शुगर बिल्कुल 0 है, इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, इसीलिए डायबिटिक लोगों को भी यूज़ करना है। तो ये देखिए ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे से मिक्स, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, और यही है इसका कंसिस्टेंसी। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो ये था पतंजलि का कैमल मिल्क पाउडर का रिव्यू। अगर आप भी इसे ख़रीदना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले। तो ये था मेरा पतंजलि का फ्रीज ड्राइड कैमल होल मिल्क पाउडर का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।